हाँ बोल, क्या बात है? अरे तू बाहर कैसे आ गया भाई? ऐसे आगे दरोगा जी, मैं भी जाऊंगा घर को। बताई तो तुझे, तुझे तो तेरे अब्बू के साथ भेजूंगा। ठीक है ठीक है, अब्बू को फोन कर लो। तो अभी तेरे अब्बू को फोन करता हूँ, नंबर बता और अंदर चल। तू चल अंदर। नहीं, मैं अंदर चल। मैं यही बैठूंगा दरोगा जी, मैं यही बैठूंगा। तुझे बोला ना, तू अंदर चल। तुम फोन मिलाओ मेरे अब्बू को। चल अपने अब्बू का नंबर बता। लिखो 98 35 36 37 48 46। अबे कैसा नंबर बता रहा तू? सही बता, वैसे तो पढ़ा लिखा कही है, दरोगा कही है। 12 डिजिट ये नंबर है कोई? लिखो लिखो लिखो, सही बोलो। 98 35 47 48 38। तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा नंबर होता है कोई? और कैसा नंबर होता? 48 47 48 45 38। एक मिनट में इलाज कर दूंगा तेरा, समझ गया क्या? लिखो 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 लिखो, ढंग में बता। 98 35 37 47 38। बड़ा फास्ट नंबर बताया भाई, मिल भी गया, घंटी भी जा रही। हेलो हेलो, कौन? अरे जलालुद्दीन दरोगा बोल रहा हूँ, देहाती थाने से। हाँ जी दरोगा जी, बोलो बोलो। अरे जलालुद्दीन क्या बात हुई भाई, आया क्यों नहीं तू? आ रहा हूँ जी, बस आ रहा हूँ। और हाँ, कुछ लेके आना। हाँ जी ठीक है जी। मैंने तेरे बेटे को ढूंढ लिया है ना जाने कैसे कैसे। साहब जी कितने लेके आऊँ? हाँ हाँ, कुछ तो बनता है ना। हाँ जी हाँ जी, लाता हूँ जी लाता हूँ, अभी कुछ ना कुछ तो जरूर लाता हूँ। हाँ लेके आना, ले अपने बेटे से बात कर। करा दो सर। ए भाई अब्बू। हाँ अब्बू। हाँ बेटा। अब्बू मुझे डर लग रहा है, मुझे ले जाए ऐसे। अब्बू अब्बू कल्लू तो छोड़ ना करे, मुझे मना कर रहे हैं अभी। अब्बू आ जा, अब्बू मुझे ले जा, अब्बू अब्बू ले जा। नहीं नहीं बेटा, घबरा मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, घबरा मत तू, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जा अब्बू। तू घबरा मत, मैंने बोल दिया, मैं पैसे का इंतजाम करके ला रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। ठीक है ठीक है। अगर मैं खाली हाथ चला गया तो मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं, और फिर पता नहीं कहीं मारपीट ना कर दे उसके साथ। चलो घर चलता हूँ, पहले कुछ पैसे का इंतजाम करता हूँ, तब थाने चलूंगा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। संजीव जी, जी सर। जो मैंने आपको काम बताया वो काम कीजिएगा। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया साहब की बातों को? जनाब साहब क्या काम बता के गए हैं? सब कुछ बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? नमस्कार सर जी। नमस्ते, बोलो क्या बात है, आप कौन हो? साहब मैं कल्लू खां की बीवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तुम्हें मैंने जो काम बताया था क्या है कि नहीं? नहीं जी। चलिए करिए, बैठे रहते हो दिन भर यहाँ पे। और तुम, याद है ना तुम्हें, जाइए। हाँ जी आप बताओ, बैठो। जी साहब। देखिए कल्लू खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है, शेख चिल्ली का अपहरण करके, और उसके लिए पैसे लगेंगे। साहब कितने पैसे लगेंगे? पूरे 10,000 रुपए, और वो भी इसी वक्त। अगर तुमसे इंतजाम नहीं हुआ तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। साहब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हम तो गरीब आदमी है। मत दो, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा तुम्हारा कल्लू खां। नहीं नहीं सर, मैं देती हूँ पैसे, अभी देती हूँ। अरे जल्दी दे दे निकाल के, कभी कोई आ जा, जल्दी कर ले थोड़ी सी। ये लो पूरे 10,000 रुपए हैं सर जी। 500 रुपए मुझे दे दो किराए भाड़े के लिए। अरे नपीसा क्या 500 का लोभ कर रही है, दे दे 10 के 10 ही। 1 2 3 4 5 ये लो साहब जी। अब तो बुला दो उनको। अरे कल्लू। हाँ बाहर आओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कल्लू भाई मेरे अब्बू को आ जाना, मेरे साथ ही चलिए, तू मुझे अंदर बैठा दिया इन्हें। तू अपने अब्बू के साथ ही आ जाइयो। जाइए, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी जमानत दे दी, और आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना, ठीक है? जाइए।
चल। मारा वारा तो ना इन्होंने? बड़े मियां अस्सलाम वालेकुम। अब घर चल के ही सलाह करूंगा, अगर जमीला के पास कुछ पैसे होंगे तो। बिना पैसे के तो वो छोड़ने वाला है नहीं, बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी। अरे बेटा रुखसाना, अरे बेटा रुखसाना जी। आई अब्बू। लाना बेटा एक गिलास पानी लाना। अभी लाई अब्बू। लिया बेटा जल्दी लिया, प्यास लग रही है बहुत तेज। अजी आ गए आप? हाँ आ तो गया। ये लो अब्बू पानी। अजी क्या सोच रहे हो, ऐसा कब तक बैठे रहोगे? तुझे आराम से बैठना लग रहा मेरा, मैं भी सोच रहा हूँ। तुम्हें पता मेरे दिल में कितनी खुशी है, मगर वो दरोगा बिना पैसे लिए मेरे शेखू को छोड़ेगा नहीं। कोई जरूरी तो नहीं, जब हमारी कोई गलती नहीं है तो कैसे पैसे? बेटी तू अभी जमाने को नहीं जानती, वो पुलिस है पुलिस, और वहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जरूरी नहीं सारे पुलिस वाले पैसे लेके काम करते हो, कुछ पुलिस वाले बिना पैसे भी काम करते हैं। अरे तुम जानती नहीं हो, वो दरोगा बहुत हरामी है, बिना पैसे लिए मेरे शेखू को छोड़ने वाले नहीं है। अबू बिना गलती के पैसे लेगा वो? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? बेटी अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुराई रहेगी नहीं। अजी पैसे तो मेरे पास रखे हैं, मुझे शेख चिल्ली पैसे देता था वो मैंने जोड़ रखे हैं। अच्छा तो जा तू वो पैसे ला के दे। अभी लाई जी। आओ अम्मी। चल बेटा चल। आ जाओ आ जाओ। लाओ पैसे दे मुझे निकाल कर, जो मैंने तुझे रखने के लिए दिए। पैसे का इंतजाम होगा, अब वो छोड़ देगा, वो कहीं मेरे शेखू को साथ मारपीट ना कर दे। साथ में जमीला को रुखसाना को लेके जाऊंगा, कभी फिर वो नया कानून बताने लगे मुझे। कल्लू को ऐसे छोड़ दिया क्या मैंने? कल्लू की बीवी से मैंने पूरे 10,000 रुपए लिए हैं, समझा तू? तू दे पाएगा 10,000 रुपए? कल्लू को छोड़ दिया। क्या बताऊं जमीला, कभी कभी अनहोनी ऐसे हो जाती है। अम्मी मुझे तो लगा पुलिस वाला ही बदतमीज दिखे है। ठीक कह रही है बेटा, ज्यादा ही हरामी दिखे, ऐसे ऐसे लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करवाते हैं। हाँ बेटा, पर सारे पुलिस वाले एक जैसे थोड़े ही होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। ये दरोगा तो है भी घना बदतमीज। हाँ ठीक कह रहे हो अब्बू, पर यो शेख चिल्ली भी तो हमारी बात ना मानता। हाँ अब्बू सही कह रहे हो, शेख जी ने तो बड़ा दिमाग खराब कर रखा हमारा। बेटा इतना समझाओ, मैं तो ऐसे इसकी समझ में ही ना आता कुछ। नए नए लपड़े करते रहेंगे हमारी जान को। चलो चलो जल्दी, कभी पुलिस पीट ना रही हो उसे। अगर तेरा बाप नहीं आया ना तो तुझे जेल भेज दूंगा। आगे दरोगा जी, अब्बू आगे। नमस्कार दरोगा जी। नमस्कार। आ गए तुम? हाँ जी हाँ जी साहब, मेरा बेटा ही है, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारे बेटे शेख चिल्ली को तो छोड़ दूंगा मैं। चल बेटा मैं सिखाती हूँ तुझे कानून क्या होता है। देखो जलालुद्दीन, मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढने में बहुत पुलिस वाले लगाए हैं, अगर और किसी को पता चल गया ना तो और ज्यादा पैसे लगेंगे, रुपए पूरे 10,000 देने पड़ेंगे। साहब 5,000 में काम चला लो, हम तो गरीब आदमी है, और वो कल्लू खा तो साहब बहुत अमीर है, मेरा बेटा तो साहब निर्दोष है। कल्लू खा ने कोई गुनाह थोड़ा किया था, वो तो निर्दोष था। क्या जी कल्लू खा निर्दोष था? तो फिर मेरे बेटे को किसने उठाया? अबू अबू आधा गांव के था चारों साले चोर साले नजरी के जेड़ी। क्या बेटा? वो तो चारों जेल चले गए, तुम जल्दी करो वरना इसे भी जेल भेज दूंगा। नहीं नहीं साहब दे रहा हूँ। दरोगा साहब हमारे पास तो यही है, नमी काम चला लो। ठीक है इसको लेके जल्दी निकल जाओ। ठीक है जी।
चल भाई खड़ा हो। चल बेटा चल, चल अपने घर जा। चल बेटा। चल अम्मी चलो। क्या होता है पैसा, पैसे के लगा दू ढेरी। देख लिया अब तेने अपने पूते कारनामे शेख जी, अब इसे समझा दियो। अब तो हम तुम्हें छुटा के लिए आए हैं, अगर ऐसे करते रहोगे ना हम छुटाने वाले नहीं है। बिल्कुल अपनी अम्मी पे गया। चल मेरे पे क्यों जाता, बाप पे गया। क्या बोली, बाप पे गया? अबू अबू नंदू, अब तुम शुरू हो गए रस्ते में मार रहे हो। तेरा बिगाड़ा हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है सब। चुपचाप घर चलो सबके सब। तुमने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है इसे। हाँ मैंने तो तुझे भी सर पे चढ़ा रखा। हाँ मैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सनक क्या ठीक कह रही है यू? बाप बेटा को रास्ते में तमाशा करते हुए शर्म नहीं आती? अगर ये मेरे कहे से चले तो कुछ नहीं होने वाला। उस पुलिस वाले का गुस्सा मेरे पे तार दिया है, अब गांव में चुपचाप चलो। हाँ चुप्पी चल रहे हैं हम तो। हाँ ठीक है अबू। शेख जी चलो, तुम अंदर चलो। या अल्लाह। चलो अंदर ही बैठना तुम। या अल्लाह थक पे गए। देखा कितना हरामी दरोगा था, मैं कह नहीं रहा था बिना पैसे लिए मेरे शेखू को नहीं छोड़ सकता वो। सही कह रहे हो जी। अबू क्या सालन पकाऊं? शेख जी तुम ही बता दो क्या पकाऊं। बारू जरा जो अबू के वो पका ले। अलले दरोगा ने फ्री के पैसे ले लिए, मेरी अम्मी ने जोड़ रखे थे, मेरा बहुत दुख रहे। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर जोड़ लूंगी। मेरा बेटा कमा कर ला कर देगा ना, फिर जुड़ जाएंगे। तू भूखा होगा, चल रही तू रोटी पका ले। हाँ हाँ बेटा पका लो जो भी है घर में, भूख तो सबे लग रही है, सभी खाएंगे। ठीक है तुम इतना हाथ मुंह धो लो, मैं इतना खाना पका खाना बना ले। अरे जलालुद्दीन जी आप तो यहाँ बैठे हो। कौन कल्लूखा भाईजान, आ जाओ यहीं बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन। वालेकुम सलाम भाईजान। बारुसाना अंदर से कुर्सी लिया। अभी लाई शेख जी। और आप तो ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ कल्लू भाई, आप सुनाओ कैसे हो कल्लू खां? बस जब सब आप ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ जलालुद्दीन जी। मैं तो ये देखने आया था शेख चिल्ली आया या ना आया, जब आ गया तो ठीक है। बा कल्लू भाईजान आया क्या, मुझे उस दरोगा ने रोक लिया था, बैठा लिया था। वो तो साला बहुत बदतमीज है, पागल है, लालची है साला। भाई जलालू वो दरोगा तो बड़ा बदतमीज है, उसने मुझे बहुत मारा और मेरी घरवाली से पैसे भी ले लिए। एक घरवाली तो पहले ही मुझे छोड़ के चली गई, अब ये मुझे गलत समझ रही है। बा कल्लू खाजी आप बहुत महान है महान। क्या अब्बू? देखो कल्लू भाई अब छोड़ो, हम तुम्हारे पैसे लौटा दें, जो हुआ सो हुआ, अब गुस्सा मत करना। देखो कल्लू भाई जो हम पे थे वो हम पुलिस को दिया है। तुम क्यों दिया है, तुम्हारी क्या गलती थी? कल्लू जी जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। नहीं नहीं जलालू, इस बात की तो शिकायत करनी पड़ेगी, उनसे ऊपर भी तो अफसर हैं। जब ये बात है तो करो शिकायत, क्यों जी? हाँ कल्लू भाई चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो तो जलालू भाई मेरे साथ चलो, उससे भी बड़े अफसर से मिलके उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। चलो कल्लू भाई ये बात है तो चलो। अबू अबू हाँ खाना बन गया, खाना खा के जाना। चलो तो कल्लू भाई पहले खाना ही खा लेते हैं। नहीं खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले इस काम को निपटा ले। चलो ठीक है। नहीं नहीं कल्लू जी खाना खा के जाना, और तुम बता रहे तुम्हारी तो बीवी वैसे भी नाराज है। वाह कल्लू भाई तुम मत डरो, अम्मी तो ऐसी कह रही है तुम्हारी बीवी मैं जानू, वो ऐसी डर रही तुम्हें, वो कहीं जाने वाली। चलो ठीक है, चलो कल्लू भाई आगे खाएंगे खाना। हाँ शेख जी अबू तो आगे खा लेंगे खाना। अच्छा तुम जब रोटी खिला मुझे खिला, अम्मी खिला। ठीक है शेख जी। हाँ तो ठीक है। कल्लू भाई जैसा तुम बोल रहे हो अगर ऐसा हो गया तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। साहब जी नमस्ते। नमस्ते बोलो। साहब हमें इंसाफ चाहिए। क्यों क्या हुआ बोलो, कैसा इंसाफ चाहिए? सुनो मैं बताता हूँ, ये कल्लू खां है साहब, हमने इनसे कुछ कर्ज लिया था साहब, कर्ज ना चुकाने की वजह से ये हमारे घर पे गए थे और ये हमें धमकी दे रहे थे साहब, और ये हमसे कहने लगे। शेखू कहाँ गया आज? मालूम नहीं बाहर कोई गया था, आज तो सुबह से दिखाई नहीं दिया वो। आ जाएगा जलालू, आराम फरमारा, मेरे पैसे कौन देगा? अजी पैसे मांगने का टाइम भी देख लिया करो, क्या बे टाइम ही आ जाओ पैसे मांगने। ठीक है तुम्हारे हैं,
दे देंगे आराम से। देख लिया टाइम, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, जाओ आराम करने दो अब्बू को, आराम कर रहे थे अब्बू। ठीक है भैया कल्लू, हम तेरे पैसे दे देंगे, लाएगा हमारा शेखू कमा के, सबसे पहले तेरे पैसे देंगे। शेख चिल्ली की तो बहुत फैक्ट्री चल रही है, शेखू की फैक्ट्री चल रही, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे पैसे ही तो लिए हैं, कुछ खरीद तो ना लिए तूने, हम जा चला जाए यहाँ से। बताओ भाई ऐंठ दिखा रहे और पैसे दे नहीं रहे, मुझे पैसे चाहिए पैसे। मेरा नाम कल्लू खां है, कल्लू खां, देख लूंगा तुम्हें सबको अगर मेरे पैसे ना मिले। हाँ देख लिए, जा जा। नाम है इसका कल्लू खां, ऐसा बता रहा जैसा मैं पता ही ना। ये तो बहुत बदतमीज है, बताओ। अरे कोई बात नहीं जमीला, जिसके पैसे होते हो ऐसी बात करता है, दे देंगे इसके पैसे। आगे सुनो साहब। मुझे तो पता ना दोनों बाप बेटे कहाँ तो जावे कहाँ ना, कुछ कमा का भी तो ना लाते जो कल्लू खा के पैसे दे देते। मेरे पैसे दे दो। पैसे? हाँ। बताई ना थी तुम्हें उस दिन पैसे की, दे देंगे, लेके भाग रहे हैं तुम्हारे। कल्लू खा जी, वो दोनों बाप बेटे गए हैं कमाने, दे देंगे तुम्हारे पैसे। कभी बेटा कमाने, कभी बाप कमाने, कभी दोनों बाहर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और घरवाली, घरवाली क्या कर देखो। अजी ये तो बच्ची है, कोई बात नहीं माफ कर दो, हम आपके पैसे दे देंगे। माफी वाफी कुछ नहीं, हराम के नहीं है पैसे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ ठीक है पैसे 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 लेगा, हमारी जान लेगा, जा रहा है अभी चेक लेके जाएगा। या तो मेरे पैसे दे दो वरना तुम्हें घर से बाहर कर दूंगा। अरे पहले चेक ही दे दो। हराम ज्यादा दिमाग खराब कर रखा मिस ने, हराम का बच्चा रोज रोज आ जा मांगने। अरे ये दबंग आदमी है, ऐसा ना कहा करते, ये पुलिस में चला जाएगा। जबकि जब देखी जाएगी, जब ये पुलिस में जाएगा पुलिस को भी झेलेंगे। अब इससे आगे सुनो साहब, कुछ काम कर लो शेख जी। क्या कह रहा था उस दिन कल्लू खां? बहुत कुछ कह रहा था हरामजादा, लेकिन मैंने भी कमी नहीं करी सुनाने में। चल ठीक है रुखसाना। हाँ। मेरी टांग की नस फड़क फड़क कर रही है, फड़क फड़क कर रही है। लाओ तुम्हारी नसी देख लूँ पहले। क्या सहसे दबा रही है? हाँ। जोर जोर दबा दे, जोर जोर दबा दे, मन करके दबा दे तुमने। हाँ बस एक चिल्ली, यहाँ बीबी से पैर दबवा रहा, मेरे पैसे कौन देगा? है पैसे देगा? बीबी से पैर दबवा रहा, बीबी हमारी, अबे तेरी बीबी से पैर दबवा रहे हूँ, पैसे दे देंगे। अब्बू कमाने गया कहीं? अब्बू कमाने गया? बाप कहे मेरा बेटा कमाने गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अबे पैसे तो लेगा तू, अब्बू कमाने गया दे देंगे। अच्छा बीच में आ गए, बीबी से पैर दबवा रहा, तेरी बीबी है क्या? बीबी तो तेरी है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो हम कौन सा लेके भाग रहे हैं पैसे, कोई हम ले मारे दे देंगे पैसे। वो कहता है कि मेरा बेटा शेख चिल्ली कमाने गया है पैसे। ओहो बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ले पैसे, ले पैसे, पैसे लेगा, ले चेक ले, नोट ले, ये ले, ले और लेगा, ले चेक ले, ले पैसे। अरे शेख चिल्ली, अरे रुक रुक, अरे क्या कर रहा तू? देख लूंगा, देख लूंगा तेरा लौंडे को, एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे और ऊपर से मुझे मार रहे हैं। निकल जा, जा जा, देख लिए, जा देख लिए साले, जा जा उठवा दूंगा शेख चिल्ली के बच्चे, कल्लू खा के जा, चला जा नहीं तो जिंदे को दफना दूंगी। वो तो अम्मी आ गई बीच में, बड़ा साला कच्चा खा जाता है। अरे तुझे पता भी है ये कैसा आदमी है? गांव का दबंग है दबंग, और ये कुछ भी कर देगा, इसके पैसे देने हैं। अम्मी मैंने कौन सा पैसे को पर मारा, सारा उल्टी सीधी कह रहा, उल्टी सीधी कह रहा रुखसाना को, क्यों रुखसाना? हाँ अम्मी बहुत बुरी बुरी कह रहा था। बोलो क्या हुआ साहब, अब आप ही बताओ, हमें इंसाफ चाहिए साहब। देखो मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मगर मुझे उस दरोगा के खिलाफ कोई सख्त सबूत चाहिए, ठीक है? बिना सबूत कुछ नहीं हो सकता है। सबूत तो कुछ नहीं है जी, अगर मैं अपनी घरवाली से गवाही दिलवा दूं तो मान लोगे? घर की गवाही नहीं चलेगी, अगर कोई पक्का सबूत हो तो बताओ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो भाई कल्लू खां। ये दोनों यहाँ कैसे? जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये आदमी कैसे आए यहाँ? अरे सब तेरी शिकायत लेकर आए थे, अगर तुम निर्दोषों को सताओगे तो ये तो आएंगे ही। फिर आपने क्या कहा सर? अरे हम क्या कहते, जब तुमने उसमें से हमें भी हिस्सा दे दिया तो हमने भी कह दिया सबूत चाहिए। अच्छा अच्छा सर, कोई नई बात? कोई नई बात नहीं है, गरीबों को देखकर काम क्या करो। ठीक है ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। कल्लू खां मैंने बताया नहीं, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। बना ले खाना, अबू भी आने वाला। अरे वक्त फोन में लगी रहा, फोन में लगा, गेम खेलते रहे, गेम खेलते रहे, फोन दिवा दे। अरे जा मसाला पीस ले।
मसाला तैयार कर ले अब्बू आने वाले। हाँ हाँ जा रही हूँ। तुम्हें तो 24 घंटे मेरा फोन ही दुखता रहा, पीस रही हूँ मसाला। निकल जाने साली का, हीरो बना दूंगा देख ले। जब देखो खाना पका ले, खाना पका ले। कह करते बहू को, पीछे पड़ा रहा तू उसके। बैठो कल्लू भाई। बेटा रुखसाना एक कुर्सी लाइयो। लाई अब्बू। कल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या करना चाहिए जलालू भाई? कल्लू भाई मैं तो तुम्हें पहले बता रहा था, ये अधिकारी होते ऐसे ही हैं। उस कमिश्नर ने भी हमारी नहीं सुनी। अजी छोड़ो पर है, आप तो ठीक हो और कमा लियो। वैसे वो कमिश्नर ठीक कह रहा था, अगर हमारे पास कोई सबूत होता तो वो हमारी रिपोर्ट लिख लेता। सबूत चाहिए अब्बू? हाँ बेटा सबूत चाहिए। हाँ हाँ सबूत चाहिए। अगर सबूत तुम्हें मैं दे दूँ तो है? तो फिर दरोगा रिपोर्ट लिख लेगा? हाँ बेटी अगर हमारे पास सबूत हो ना तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अब्बू जब हम शेख जी को छुटा के लाए थे ना थाने में से, मैंने उस दरोगा की वीडियो बना ली थी अपने फोन में रिश्वत लेते हुए। कल्लू जी मैं आपके फोन पे भेजती हूँ, आप देख लेना, फिर सबूत पक्का। वाह रुखसाना वाह, देखा अब्बू अब सबूत मिल गया ना। अरे वाह बेटा वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चलो कल्लू भाई देखो तू भी चल। ठीक है बेटा हाँ। भेज दो मेरे फोन। ठीक है अभी भेजती हूँ। कैसे नहीं लिखेगा रिपोर्ट? अम्मी हाँ व्हाट्सएप से वीडियो भेज दी मैंने कल्लू जी को। ठीक है बेटा तू ऐसा कर मसाला तैयार कर, वो लोग आके खाना खाएंगे। ठीक है अम्मी। नमस्कार साहब जी। नमस्ते, तुम फिर आ गए? सर हम अब की बार पक्के सबूत के साथ आए, हमारी बहू ने हमें पक्का सबूत दिया है। दिखाओ। ये देखो सर। देखो सर इसमें वीडियो भी है और आवाज भी है, दरोगा को पैसे देते हुए अब्बू। कल्लू खा भी निर्दोष है साहब। ये लो। सर आपने हमारी रिपोर्ट तो लिखी नहीं। रिपोर्ट? रिपोर्ट थाने में लिखी जाती है। चलो बाहर चलो। आओ अब्बू। ठीक है साहब। हेलो संजीव जी। सर हाँ फटाफट यहाँ पर आओ मेरे पास। ठीक है सर आ रहा हूँ। क्या लफड़ा करते रहते हो तुम भी? क्या हुआ सर? तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं। पर सर हुआ क्या? कुछ लोग आए थे यहाँ पर, जल्दी आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो सर। बोलो क्या हुआ बताओ। हुआ क्या? तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत मिला है, कुछ लोग आए थे और तुम्हारी वीडियो दिखा कर गए हैं, वो भी पैसे लेते हुए। गरीबों को सताते हो ना तुम लोग, निर्दोषों को फंसा रहे हो। सर कौन कह रहा, किसने बना ली वीडियो? ये सब छोड़, अब तो मैंने उन्हें भगा दिया है, पर आगे से सावधान रहना। ठीक है साहब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जाओ अब आगे से ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है कौन सा काम कैसा करना है। अब जो प्लान मैंने इन्हें समझाया है अगर वो चल जाता है तो हमारी कामयाबी पक्की है। कल्लू भाई। हाँ जी। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया ना, अगर हम वैसा कर सके तो ठीक है, वरना पुलिस रिपोर्ट लिखने वाली नहीं हमारी। कदी हम उल्टे फंस जावे। अम्मी डर मत, तुझे पता सच्चे काम करने वाले को परवाला भी साथ देता। क्यों कल्लू भाई? हाँ हाँ सही कह रहे हैं शेख भाई। हाँ हाँ हम सब साथ हैं, तुम जैसा कहो हम वैसे ही करेंगे। मैं भी करूँगी वैसे ही और अम्मी भी करेगी। क्यों अम्मी? हाँ हाँ रुखसाना सही कह रही है, हम सब साथ हैं। हाँ जलालू भाई जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, और मैं अपनी दूसरी बीवी को ले आता हूँ, एक तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई थी। क्या कल्लू भाई आपके दो बीवी हैं? हाँ हाँ दो बीवी थी, पहले एक मुझे छोड़ गई। अच्छा वो लंबी थी? हाँ हाँ छोटे वाली है। बदला भी नहीं रहा, दो दो बीवी लिए बड़ा जाओ तो कल्लू तुम बीवी को लेके आओ। फिर अब कैसे करना?
करना क्या, जो अब्बू ने कहा वो करो। ठीक है तो कर लो भाई, अपनी बीबी को ले आओ, टाइम देके चलेंगे। है तो कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। चलो ये लेटर गेट के नीचे से अंदर कर देता हूं। अब ठीक है, तू भी बेटे याद रखेगा। थक जाते हैं यार सुबह से शाम तक की भागदौड़ में। इतनी गर्मी, बहुत गर्मी है यार आज। हैं हैं, ये क्या लेटर से पढ़ा? देखता हूं क्या है ये। दरोगा जी, आपके वारंट हैं। आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हो। आपकी देहाती कोर्ट में तारीख है। आप अपना वकील भेजकर अपनी जमानत करा लें, वरना आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट दिए जाएंगे। मेरे खिलाफ कौन है जो साजिश रच रहा है? कल्लू ही हो सकता है। चल बेटा, आज तेरा इलाज करता हूं मैं। चल झिम्मन लाल संजीव, कहीं तो मिलेगा। चलो जी, उस आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उसने हमसे भी तो 9500 रुपए लिए। उसी का तो इलाज ढूंढ रहा हूँ। कल्लू भाई रुको। हाँ बोलो दरोगा जी, क्या बात है? बोलो दरोगा जी, क्या काम है? कल्लू भाई, मैंने तुम्हें मारा, मुझे माफ कर दो यार। दरअसल मेरे खिलाफ आप सरकारी गवाह मत बनना। देखो दरोगा जी, मैं बन गया हूँ सरकारी गवाह। मैं वहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा सच। और ले लो रिश्वत। क्या दरोगा जी ने रिश्वत ली है? हाँ, अब तो कमिश्नर ने भी हमें आश्वासन दे दिया, कल सुबह देहाती अदालत में आ जाना। क्या देहाती अदालत? हाँ हाँ, देहाती अदालत। ठीक है, अब जाओ, सुबह कोर्ट में मिलेंगे। चल नपीसा। चलो। देहाती अदालत, अब पता चलेगा इसे रिश्वत कैसे लेते हैं। हाँ नपीसा, तू सही कह रही है। चलो यार, गांव में चल के इसका तोड़ ढूंढता हूँ। चल तू अपने आप कर लिया जो करेगी। ठीक है, मैं अपने आप कर लूंगी। हरामजादा अकड़ रहा मेरे पे, वर्दी का रौब दिखा रहा मेरे पे, सारी अकड़ निकलवा दूंगी इसकी। चलो, वो लोग इंतजार देख रहे होंगे हमारी। यार मुझे कल्लू के बारे में आज जानकारी लेनी थी। सर यहाँ किससे लोगे जानकारी? यहाँ तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे पूछूं। चलो आगे देखता हूँ। अब हम सारी सेटिंग करी है ड्रामे की, ये भी नाज सुखा रही है। अरे तुम्हें चलना नहीं है? चलो। अरे सनाज को अंदर रखो और चलो। चलो। तुम चलो, मैं अपने आप बात कर लूंगी। भाई शेख जी के घर चल रहे, जैसे कहेगी कह दियो। जल्दी तैयार हो जाओ, कल्लू आने वाला। सूखने दो यहीं। चलो शेख भाई, हम आ गए, अब बताओ क्या इंतजाम है। अबू ये तो आ भी गए, इंतजाम तो हो गया सब। क्यों अबू? अरे कल्लू भाई, वर्दी की तो छोड़, हमने तो अदालत का भी इंतजाम कर दिया। फिर अब क्या करें? कल्लू भाई करना क्या, तुम जाओ दरोगा के घर वर्दी पहन के, और जैसा भी बैठा हो सारे को ऐसे पकड़ लाना। कल्लू भाई, मेरा बेटा शेखू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लाने की बात क्या, वो अभी मुझे रास्ते में मिला, मैंने उसे बता दिया। हमने तो कह दिया देहाती अदालत में आ जाना। ये ठीक करा तुमने। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ और उसे पकड़ कर लाओ घर से। जब उसके मोहल्ले पड़ोस वाले उसे देखेंगे तो उसकी कुछ तो बेइज्जती होगी। हाँ जी हाँ जी, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अबू क्या उसे वहीं से मारते हुए लावे हरामजादे को? नहीं नहीं, वो इंतजाम सब मैंने उसका कर रखा है। जाओ तुम उसे गिरफ्तार करके लाओ बस। सुना कल्लू भाई, तुम तो इन्हें समय लेके चलो,
और मैं अब्बू को लेके पहुंच रहा हूँ अलग। हमने सब इलाज बांध दिया उसका। तुम सब पुलिस की वर्दी पहन के जाओ और उसे गिरफ्तार करके लाओ। चलो अदालत में खड़ा करते हैं उसे। ठीक है बेटा। ठीक है शेख जी, हम ये गेहूँ अंदर रख देते हैं। ठीक है, सब कल्लू भाई के जाओ। ठीक है ठीक है। लेव पूरे दिन हो गया धक्के खत्तू खत्तू, कल्लू का कोई विकल्प नहीं मिला। यार किसने बना दी मेरी वीडियो? कौन कर सकता है ऐसी साजिश? यार कमिश्नर साहब कह रहे थे इन्हीं लोगों ने वीडियो बनाई है, शायद इन्हीं का काम है। कौन है? अच्छा यहाँ बैठा, पकड़ा इसे। आप लोग यहाँ? ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए, आपके नाम का वारंट है। वारंट? हाँ। मेरे नाम के वारंट? हाँ जी। वो सब कोर्ट में जाकर पता चलेगा। खड़े हो जाइए आप, ये रिवॉल्वर दीजिए। चलिए चलो। पता लगा है तुम लोगों को बहुत परेशान करते हो, रिश्वत लेते हो। बेटा जज हाजिर है। वकील साहब का देहाती कोर्ट में जज साहब को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सीखो बेटा, तू ये बता मैं पहचान में तो ना आ रहा हूँ? बिल्कुल सेट लग रहा अबू, जज की तरह लग रहा। फैसला अपने पक्ष में सुनाइए। सच की जीत होगी? मैं लग रहा हूँ वकील साहब? बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा तू। ठीक है तो आंदो, विपक्ष का वकील आ रहा, एकदम झंडे गाड़ दूंगा। कट 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 कर। ठीक है बेटा, कोई तारीख नहीं होगी, अभी फैसला होगा। आने दो मुजरिम को, इतना बैठता हूँ थोड़ा ज्ञान लगाता हूँ। किस लिए लेकर आए तुम मुझे यहाँ पे? जिम्मन लाल संजीव सनोप हीरा लाल संजीव के केस की आज कार्रवाई शुरू की जाए और दरोगा को कटघरे में पेश किया जाए। जी सर। तो जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे मुजरिम दरोगा से कुछ पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। दरोगा जी, विद्या पे हाथ रख के बोलो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं विद्या पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जसब, ये लो अपनी विद्या और कलम ठालो, सारे पॉइंट मुझे नोट चाहिए। हाँ तो दरोगा जी, ये बतलाइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिम्मन लाल संजीव। जिम्मन लाल संजीव? ओहो, जिम्मन लाल संजीव है, पक्का ही जिम्मन लाल संजीव है। हाँ हाँ, जिम्मन लाल संजीव है। ऑर्डर ऑर्डर, आराम से नाम बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो आपके बाप का नाम? हीरा लाल संजीव। ओ, तो आपके बाप का नाम हीरा लाल संजीव है? जी। हीरा लाल संजीव है? हाँ हाँ, हीरा लाल संजीव है। हाई हाई। ऑर्डर ऑर्डर, वकील साहब से तमीज से बात करिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो बाप का नाम हीरा लाल संजीव। हाँ जी हाँ जी। तो आप हीरा लाल संजीव के बेटे हो? हाँ जी हाँ जी। ओहो, हीरा लाल संजीव के बेटे हो या सही में बेटे हो? तो आप ये बताइए कि वाकई आप हीरा लाल के बेटे हैं? तो हीरा लाल के बेटे हैं आप वाकई में? तो सही में हीरा लाल के बेटे हैं? आप देख सकते हैं मेरे मौके से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका सरेआम कोर्ट के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है। हाई हाई। ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। जरूरी पूछताछ चल रही है मैडम, आप चुप बैठिए। आपके मुवक्किल का विपक्ष के वकील मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। आप बैठिए। शुक्रिया जज साहब। तो आप हीरा लाल के बेटे हैं? बेटे हैं, सही में बेटे हैं? हाँ जी। तो ये बात हीरा लाल को पता है? हाँ जी हाँ जी।
पता है तो तुम्हें किसने बतलाया हीरालाल के बेटे हो? ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहब अपनी पूछताछ जारी रखिए। हाँ तो चमनलाल जी, मेरा नाम जिम्मनलाल है, जिम्मनलाल। ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। उधर क्या देख रहे हो? उधर ऑर्डर सस्पेंडिंग हो चुका है, तो आप ये बतलाइए आप हीरालाल के बेटे हो, और हीरालाल को किसने बताने की जरूरत की कि आप हीरालाल के बेटे हो? जी मेरी माँ ने बताया। तुम्हारी माँ को किसने बतलाया कि आप वाग में हीरालाल के बेटे हो? उनको पहले ही पता था। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहब आप अभी बैठ जाइए। सर मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरा नाम जिम्मनलाल संजीव है, जिम्मनलाल संजीव है। ठीक है, आपका नाम जिम्मनलाल है, मैं कैसे मान लूं? आप ये बताइए कि आपके कौन से अखबार में खबर छपी थी कि आप वाकई हीरालाल के बेटे हो? वकील साहब छोड़िए इन बातों को। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब इन बातों को छोड़ देंगे तो एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो फिर इस केस में रखा है क्या है? हाँ मैंने कह दिया ना कि मैं हीरालाल का बेटा हूँ, बस बात खत्म। बात खत्म कैसे? आप चिड़चिड़क रहे, बता क्यों नहीं रहे? सही सही बता दिया कि मैं ही हीरालाल का बेटा हूँ। क्या हीरालाल आपके घर आता जाता था? हीरालाल मेरे घर में रहता था। क्या आपने कभी पूछा कि हीरालाल आपके घर में क्यों रहता है? वो मेरा बाप है, मैं उसे बात क्यों पूछता? ऑब्जेक्शन लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। यस सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? ये डायलॉग तो आपका था, फिर ये क्यों बोल रहा है? हाई हाई। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब आपने हमारा डायलॉग काटने की कोशिश की, आप अपना डायलॉग बोलें। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, आप अपना डायलॉग खुद बोलिए। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। विपक्ष के वकील आपकी खिंचाई कर रहे थे, हमने आपको इसलिए डांटा, अब अपनी पूछताछ जारी रखिए। जो आ गया योर ऑनर। तो दरोगा जी ये बतलाइए, आपने हीरालाल को पहली बार अपने घर में कब देखा? कब देखा? जब देखा तब देखा, तुम्हें इस बात से क्या लेना? आई हाई। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। आप पहेलियां बुझाने की कोशिश ना करें, पहेलियां बुझाकर वकील साहब को भटकाने की कोशिश ना करें, जो सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब देते रहें। जज साहब, अगर आपकी इतनी सी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। हाई हाई। हम आपके बोलने से पहले आपका ऑब्जेक्शन सस्पेंड कर चुके हैं, आप बैठ जाइए। वकील साहब आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। शुक्रिया जज साहब। तो जिम्मनलाल, अब सवाल ये बनता है कि तुमने अपने बाप हीरालाल को अपने घर में कब और कहां कैसे देखा? कहां देखा, कब देखा, कहां देखा? जब मैं पैदा हुआ था जब देखा था। पैदा होने के कितनी देर बाद देखा? पैदा होने के बाद यही कोई 2-2.5 घंटे बाद। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे बाद तुम्हें यकीन था कि ये तुम्हारे बाप हीरालाल? यार बड़ी घुमा फिरा के सवाल कर रहा है तो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हीरालाल मेरा बाप है। ओह, तो तुमने अपने बाप को अपनी आंखों से निहार के देखा कि ये मेरा ही बाप है? हाँ, वो मेरा ही बाप है। ऑब्जेक्शन। जज साहब, 2 घंटे का बच्चा अपने बाप को देख कैसे सकता है और पहचान कैसे सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहिबा अपनी चोंच बंद रखिए। क्या 3 घंटे का बच्चा अपने बाप को देख सकता है? वकील साहिबा, अगर आपने अदालत का वक्त जाया किया तो ये ऑर्डर मैं आपके मुंह में ठूस दूंगा। वकील साहब आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। तो आप इतने शाने पैदा हुए कि तुम अपने बाप को सामने से देख के ये यकीन कर गए कि ये मेरा ही बाप है? हाँ जी, वो मेरा ही बाप है। तुम्हें यकीन था? जी बिल्कुल पक्का यकीन था। ठीक है, और जब तुम पैदा हुए तुमने अपने बाप को यकीन से देखा तो वो कहाँ बैठा हुआ था? वो मेरे सामने बैठा हुआ था। ओहो, योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। जब ये 3 घंटे के थे तो इनका बाप
इनके सामने बैठा हुआ था, ऐसे ही है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। दस साहब, मैं अपने दोस्त वकील से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2-3 घंटे का बच्चा अपने सामने बैठे हुए बाप को पहचान सकता है या वो झूठ बोल रहा है? ये मेरी समझ से परे है। ऑब्जेक्शन लॉर्ड, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब मेरे वकील से? आई हाई, ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। जज साहब, मेरी दोस्त वकील साहिबा कह रही हैं, जो पक्षधार हैं इनके, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 3 घंटे का बच्चा अपने सामने बैठे बाप को कैसे पहचान सकता है, और ये अदालत का समय बेकार फिजूल में नष्ट कर रही हैं। तो जिम्मेदार ये बताइए कि जब आपका बाप आपके सामने बैठा था तो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? खुश हो रहा था, बस खुश हो रहा था, खुश हो रहा था। और आपकी माँ के पीड़ा हो रही थी और आपका बाप खुश हो रहा था? कैसा कमीना बाप है, एक औरत के पीड़ा हो रही है और वो खुश हो रहा है, फिर भी तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारे बाप है? वकील साहब, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूँ कि वो मेरा ही बाप था, मेरा ही बाप है और मेरा ही बाप रहेगा वो। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन लॉर्ड, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब मेरे वकील से? आई हाई, ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहिबा, आपको भी मौका दिया जाएगा। वकील साहब, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। अच्छा झिम्मलाल जी, आप ये बतलाइए, जब तुम्हारी माँ की शादी हुई तो तुम कितने बड़े थे? कितना बड़ा बताऊं? शायद मैं शादी के बाद पैदा हुआ हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा डर था जो आप शादी के बाद पैदा हुए? वकील साहब, मुझे पक्का याद है कि हीरालाल मेरा बाप है और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं कोई चीज भूलता नहीं। ठीक है, आप कोई चीज नहीं भूलते दरोगा जी, तो आपको इतना भी याद होगा कि कल्लू की घरवाली से आपने रिश्वत में कितने पैसे लिए और कितने वापिस दिए? कल्लू, कौन कल्लू? वकील साहब, मैं किसी कल्लू वल्लू को नहीं जानता। नहीं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है, एक बात बताइए, आपने शेख चिल्ली को कहां से ढूंढा? आप पे आरोप है कि आपने शेख चिल्ली को जंगल से ढूंढा और थाने में पीटा, ये सही है या गलत है? नहीं वकील साहब, शेख चिल्ली तो खुद मेरे पास आया था। तो आपने शेख चिल्ली को जंगल से कहीं से ढूंढा नहीं? नहीं, मैंने उसे कहीं से नहीं ढूंढा। योर ऑनर, ये पॉइंट भी नोट किया जाए कि दरोगा जी ने शेख चिल्ली को कहीं से नहीं ढूंढा और थाने में रखकर उसकी पिटाई की। क्या वकील साहब के पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? ऑर्डर ऑर्डर, वकील साहब, क्या आपके पास कोई दरोगा के खिलाफ सबूत है? अदालत सबूत चाहती है। वकील साहिबा ठीक कह रही हैं। हाँ जज साहब, सबूत है, ये रहा मेरे पास सबूत। जज साहब, ये सबूत है, चला के दिखाइए। जज साहब, ये सब सबूत देखने के बाद ये तय हो गया कि झिम्मनलाल दरोगा रिश्वत खोर है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त
सजा सुनाने का प्रावधान होना चाहिए ताकि और कोई रिश्वतखोर दरोगा पैदा ना हो सके। जज साहब, निर्दोष कल्लू खां को थाने में बेवजह पीटा, उसकी बीबी से रिश्वत ली, और बेगुनाह शेख चिल्ली को थाने में ले जाके पीटा, देखो उसके अब्बू से रिश्वत ली। तमाम सबूतों और तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए देहाती अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रात ताजे हिंद धारा 98/11/0427 के अंतर्गत दरोगा झिम्मन लाल संजीव को 6 महीने की कैद और ड्यूटी से सस्पेंड किया जाता है और कमिश्नर के खिलाफ सख्त से सख्त इंक्वायरी का आदेश दिया जाता है। और असली पुलिस को आदेश देती है अदालत कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे किया जाए और कमिश्नर के खिलाफ जांच के आदेश देती है देहाती अदालत, क्योंकि देहाती अदालत में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती है, क्योंकि शेख चिल्ली की अदालत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती। और असली पुलिस को अदालत आदेश देती है कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। यस सर। जिससे कि समाज में फिर कोई दूसरा झिम्मन लाल संजीव ना पैदा हो सके। तुम जैसे पुलिस वालों ने हमारे डिपार्टमेंट का नाम गंदा करा रखा है, जिससे सारी जनता परेशान है। आओ। लेकिन जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि दरोगा झिम्मन लाल उप संजीव को एक बार सुधरने का मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि गलती एक बार सबसे होती है और वो झिम्मन लाल से भी हुई, जिससे झिम्मन लाल जी ईमानदारी से नौकरी करते रहे। ये थी शेख चिल्ली की अदालत। सरंदा कैसी की पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है, कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। कर दो ठीक है, कर दिया। हाँ।